हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि हमारी ऑटो कैड की फ़ाइल को हम फोटोशॉप के अंदर कैसे इंपोर्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें इसके लिए कंट्रोल पी प्रेस करना होगा। उसके बाद हमें हमारा पीडीएफ की जो फ़ाइल है उसको सेलेक्ट करके हमें हमारा पेपर साइज़ सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद हम आएंगे हमारे विंडो सेलेक्ट करने पर। इस तरह से जैसे कि मैं बता रहा हूँ, हमें अपनी विंडो सेलेक्ट करनी है, प्लॉट को सेंटर करना है। उसके बाद हमारा जो साइड है यहाँ पर हमें मोनोक्रोम सेलेक्ट करना है। मोनोक्रोम सेलेक्ट करने के बाद यस करना है और हमें प्रीव्यू देखना है। तो ये जो हमारा प्रीव्यू हमें ऐसा दिखेगा। इसके बाद हमें फ़ाइल को सेव करना है। डेस्कटॉप पे जाके मैंने इस फाइल को सेव कर दिया है, क्योंकि मैंने इसको पहले से सेव कर रखा था, तो ये रिप्लेस हो जाएगा। इस तरह से हमारी फ़ाइल सेव हो जाएगी पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर। ऑटोकैड को हम बंद कर देंगे। अब हमें ये जो फाइल है हमारी फ़ोटोशॉप के अंदर ओपन करनी, तो उसके लिए हम पहले फ़ोटोशॉप को ओपन करेंगे। जैसे ही हमारा फ़ोटोशॉप ओपन होता है, हमें उस फाइल की लोकेशन पर जाना है, उस फाइल को ड्रैग करना है और फ़ोटोशॉप के अंदर आने के बाद हमें ड्रॉप कर देना है। ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा, सारी चीज़ सेम होगी। ओके प्रेस करना है और आपकी जो ऑटोकैड की फ़ाइल है वो फ़ोटोशॉप के अंदर ओपन हो जाएगी। लेकिन इसको हमें वाइट बैकग्राउंड के अंदर देखने के लिए हमें सबसे पहले इसकी कैनवास साइज़ बढ़ानी होगी, जिसके लिए हम जाएंगे इमेज के ऑप्शन पर। वहाँ पे कैनवास साइज़ है, हम इसको 2-3 पॉइंट्स बढ़ा देंगे। ओके करना है, कैनवास साइज़ बढ़ जाएगी। उसके बाद हमें लेयर के ऑप्शन पर जाना है, एक नई लेयर सेलेक्ट करना है और उसको फर्स्ट लेयर से नीचे लाना है और उसका नाम देना है हमें बैकग्राउंड। जैसे ही हमारे लेयर का नाम बैकग्राउंड दे दिया है, हमें उस लेयर को फिर से सेलेक्ट करना है, इमेज के अंदर जाना है, नो सॉरी एडिट के अंदर जाना है और हमें यहाँ पर वाइट बैकग्राउंड देना है। तो आपका जो ऑटो गाइड का फाइल था वो हमें फ़ोटोशॉप के अंदर मिल चुका है। इस फाइल के अंदर हम आराम से कुछ भी वर्क कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब।